तो मेजरिंग टूल्स के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो मेजरिंग टूल्स देखिए इस फिगर के माध्यम से हम दिखा देते हैं। टायर स्क्वायर हो गया, फोरफोल्ड रूल हो गया। टायर स्क्वायर इसमें कौन है पता है आप लोगों को? टायर स्क्वायर इसको बोलते हैं, देखिए टायर स्क्वायर किसको बोलते हैं? टायर स्क्वायर जो सबसे ऊपर में है, दिखा रहे हैं आपको टायर स्क्वायर, टायर स्क्वायर इसको बोलते हैं, फोर फोल्ड रूल इसको बोलते हैं, टेप इसको बोलते हैं, और ये आपका स्ट्रेट एज है। इसी तरह से आपका ये मीटर स्क्वायर और बेवल स्क्वायर। बेवल स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल लाइन खींचने का काम करते हैं, और नहीं तो इससे एंगल मेजर करते हैं। इससे क्या मेजर करते हैं? एंगल मेजर करते हैं। मेजरिंग करने के बाद मार्किंग करने का काम करते हैं, तो मार्किंग किसके द्वारा करते हैं? मार्किंग टूल्स के द्वारा करते हैं। जो हम लोग कारपेंट्री शॉप में मार्किंग टूल्स यूज करते हैं वो इस प्रकार है। ट्रेमल पॉइंट सबसे ऊपर में, इधर ये जो दिखाई दे रहा है ट्रेमल पॉइंट्स है, ये देखिए ट्रेमल पॉइंट्स इसको बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रेमल पॉइंट्स बोलते हैं। ये दो ट्रेमल इसका है, इसका पॉइंट है। उसके बाद मार्किंग पिन ये हो गया, उसके बाद मार्किंग गॉज। मार्किंग गॉज में देखिए मार्किंग पिन यहाँ पे है, मार्किंग पिन देखिए ये है। देखिए मार्किंग गॉज के बारे में बता रहे हैं। मार्किंग गॉज क्या है? एक प्रकार का गॉज है, एक प्रकार का मेजरिंग डिवाइस भी इसको हम लोग बोलते हैं। और इससे इसमें एक स्क्राइबर लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा हम लोग मार्क करते हैं। देखिए ये आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है? स्क्राइबर है। इससे हम लोग क्या करते हैं? मार्क करते हैं। इसके हर एक पार्ट्स के बारे में आपको दिखाई दे ही रहा होगा। मार्किंग पिन जो जिससे हम लोग मार्क करते हैं उसको मार्किंग पिन बोलते हैं। ये जो आपका कॉर्नर में लगाकर पैरेलल लाइन खींचा जाता है, ये आपका थंब स्क्रू हो गया, इसको हम लोग थंब स्क्रू बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको क्या हम लोग बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इसका यूज क्या किस लिए किया जाता है, यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। मार्किंग गॉज के जैसा ही क्या एक होता है, मोटाइज गॉज। मोटाइज गॉज इसको हम लोग मोटाइज गॉज बोलते हैं। ये पूरा जो सेट मोटाइज गॉज कहलाया, और इसका भी यूज हम लोग पैरेलल लाइंस को खींचने में ही करते हैं। और उसमें जो मार्किंग गॉज था उसमें सिर्फ एक पैरेलल लाइंस खींचा रहा था, बट इसमें कितना, टू पैरेलल लाइंस खींचा रहा है। यूज टू मार्क टू पैरेलल लाइंस इन ए सिंगल ऑपरेशन ऑन द फेस। इसमें इसके प्रत्येक पार्ट्स होता है, इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, यही स्लाइड करता है। तो आपका पॉइंट जो मूवेबल पॉइंट होता है और फिक्स्ड पॉइंट होता है, स्लाइड के माध्यम से ही मूवेबल पॉइंट स्लाइड करता है, और इसमें फिक्स्ड होता है कि कितने पे लाइन को पैरेलल लाइन खींचना है। इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ये पोर्शन स्टॉक कहलाया। इसको स्क्रू बोलते हैं, इसको थंब स्क्रू बोलते हैं। ये आपका स्टेम कहलाया। इसको एक, इसमें फिक्स्ड पिन होता है, एक मूवेबल पिन होता है। पिन के द्वारा ही हम लोग मार्किंग का काम करते हैं। एक होता है मार्किंग नाइफ, जो हम लोग कारपेंटरी शॉप में यूज करते हैं एक मार्किंग करने के लिए। एक होता है क्या, मार्किंग नाइफ। इसका यूज किस लिए किया जाता है, मार्किंग करने के लिए। यूज फॉर मार्किंग वेयर एक्यूरेसी इज नेसेसरी। कहाँ पे, जहाँ पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, वहीं पे हम लोग मार्किंग नाइफ का यूज करते हैं। इसमें चीजल एज लगा हुआ होता है, चीजल एज होता है जिसके द्वारा हम लोग मार्क करते हैं, इसको चीजल एज बोलते हैं। ये इसको हम लोग शार्प पॉइंट बोलते हैं, और ये पूरा इसका वॉल बॉडी हो गया। और ये सब इंस्ट्रूमेंट के अलावा हम स्क्राइबर का भी यूज करते हैं। स्क्राइबर भी दो प्रकार के होता है, एक होता है वेंट स्क्राइबर, एक होता है स्टेट स्क्राइबर। उसके बाद पेन और पेंसिल का भी हम लोग मार्किंग के लिए सिर्फ कारपेंट्री शॉप में यूज करते हैं। अब देखिए, मार्किंग मेजरिंग करने के बाद जॉब को, वर्कपीस को होल्ड करने की आवश्यकता होगा। होल्ड होगा तभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन उस पर होगा। विदाउट होल्ड हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। जैसे कटिंग करने की ज़रूरत हो तो कटिंग कर नहीं सकते हैं, हाथ से नहीं ना पकड़ कर सकते हैं कटिंग। उसको मटेरियल को क्या करना होगा, होल्ड करना होगा। पीस, वह जो वर्क पीस होगा उसको होल्ड करेंगे तभी उसमें हम लोग कटिंग करते हैं। तो जो होल्डिंग डिवाइस होता है, ये वर्क बेंच होता है, बेंच वाइस होता है, और फिर सी क्लैंप होता है और टी क्लैंप होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वर्क बेंच के बारे में, जिस पे हम लोग सभी तरह के ऑपरेशन करते हैं। जिस बेंच पे हम लोग सभी तरह के ऑपरेशन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग बेंच बोलते हैं या वर्क बेंच बोलते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है वो 50 to 80 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है, और 90 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, विड्थ होता है, चौड़ाई होता है। 50 से 80 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 90 सेंटीमीटर विड्थ होता है। 2 or 4 कारपेंटर्स कैन वर्क एट ए टाइम ऑन द वर्क बेंच। और इस पे एक बार में 2 या 4 कारपेंटर एक साथ काम कर सकते हैं, कारपेंटर बेंच वाइज। ये तो वर्किंग बेंच के बारे में हो गया कि वर्किंग बेंच का डायमेंशन 50 to 80 into 90 सेंटीमीटर होता है। बट जब इस सिर्फ बेंच रहने से ही काम तो नहीं होगा, उसमें भी तो होल्ड करने की ज़रूरत होगा। तो उसके लिए हम लोग कारपेंटर्स बेंच वाइज का यूज़ करते हैं। उस वर्किंग बेंच में होल्ड कर दिया जाता है नट बोल्ट के द्वारा, स्क्रू के द्वारा, और उसके बाद उसमें 2 जॉ होता है, एक होता है फिक्स जॉ, एक होता है मूवेबल जॉ।
जब उसमें हैंडल को घुमाते हैं, देखिए इसमें आप लोग को बेंच है, कारपेंट्री बेंच है, इसके बारे में दिखाते हैं। देखिए इसमें जो दिखाई दे रहा है वही बेंच वाइस है। यही जो बेंच वाइस है हम लोग किसमें यूज करते हैं, यही जो बेंच वाइस है हम लोग यूज करते हैं कहाँ, कारपेंट्री शॉप में। ये आपका पूरा जो हो गया वो क्या हो गया, बेंच वाइस हो गया। इसी को हम लोग हैंडल बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इधर से इधर इसको मूव करवाते हैं, इधर से इधर ऐसे करके मूव करवाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो जॉब को जकड़ेगा, जोर से जकड़ेगा, और क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो जॉब को अच्छा से पकड़ेगा, जकड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज में इसी को सपोज इस तरह से घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, जॉब को ये जकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, ये खुलना शुरू हो जाएगा और इससे जॉब हम लोग निकाल सकते हैं। फिर तो इसमें दो जा होता है, एक होता है फिक्स्ड जा, इधर वाले ये जो जा होता है जो वो आपका फिक्स्ड जा होता है, और दूसरा जा होता है क्या होता है वो मूवेबल जा होता है। ये जा है जो आपका मूवेबल जा है। इसमें ये देखिए स्पैंडल हो गया, इसी के द्वारा क्या करता है जा टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। जैसा हम लोग मूव करवाएंगे हैंडल के द्वारा, वैसा ये क्या होगा, मूव करेगा। और इसमें ये इसमें इसका ग्रिपिंग बना हुआ रहता है ताकि क्या करें, वर्कपीस को सही ढंग से पकड़े। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या किस तरह से जा को पकड़े हुए हैं, जा के द्वारा वर्कपीस ये पकड़ाया हुआ है, वर्कशिप वर्कपीस को होल्ड किए हुए हैं जा। ये हैंडल पूरा टाइट है तब ये जो वर्कपीस है, ये जो वर्कपीस है जो इसमें क्या है, होल्ड किया हुआ है।
और इसमें जो दूसरा होल्डिंग डिवाइस के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं जी क्लैंप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी क्लैंप भी बोलते हैं। ये इसका स्पैंडल हो गया, ये क्या होता है, मूव होता है हैंडल के द्वारा, और ये इसका जॉ खुलता है, जॉ में ही हम लोग जॉब को या वर्क पीस को होल्ड करते हैं। ये देखिए बेंच हुक है, ये जो है आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बेंच हुक है। दो स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, एक अपर और एक इसके जस्ट अपोजिट में लोअर में। ये आपका इसमें जॉब को होल्ड कर हम लोग प्लानिंग का काम करते हैं। और ये बेंच हुक होता है जो इसके द्वारा जो नीचे का जो स्ट्रिप लगा हुआ है उसके द्वारा किस में होल्ड रहता है, वर्किंग बेंच में होल्ड रहता है। तो अभी हम आप लोग को वर्किंग बेंच पे कैसे इंस्टॉल था बेंच वाइज उसके बारे में बता दिए। अब इसके पहले हम चर्चा किए थे कि इसका डायमेंशन कितना होता है वर्किंग बेंच का, तो कितना होता है 80x90 का होता है। 80x90 का हो क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है किसका, वर्क बेंच का। ये ही आपका क्या है, वर्क बेंच है। इधर से आपका 80 और ये इधर से पोर्शन क्या 90। इसी में देखिए बेंच हुक लगा हुआ है, उसके बाद बेंच वाइस लगा हुआ है, और इसमें ये देखिए इसका एक वाल लगा हुआ है जो आपको होल्ड करने के लिए। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि बेंच वाइस क्या है। बेंच वाइस इज ए होल्डिंग डिवाइस विच इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस एंड वुड। इसमें देख लीजिए आप लोग, इट कंसिस्ट ऑफ जॉ फिक्स्ड ऑन द टेबल एंड मूवेबल जॉ केप्ट इन पोजिशन बाई मीन्स ऑफ स्क्रू एंड हैंडल। स्क्रू और हैंडल के द्वारा हम लोग इसके मूवेबल जॉ और फिक्स्ड जॉ को फिक्स्ड करते हैं, मूवेबल जॉ को मूव करवाते हैं, उसके बाद उसी में वर्क पीस को होल्ड करवाते हैं। ये किससे बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन या नहीं तो स्टील के द्वारा बना हुआ रहता है। सी क्लैंप भी अभी दिखवाए थे आप लोग को, सी क्लैंप देखिए इस तरह से ही होता है। हाँ, द क्लैंप ऑफ शेप ऑफ लेटर सी और जी इज यूज टू क्लैंप शॉर्ट पीस टुगेदर एज द बार क्लैंप। दिस क्लैंप्स आर अवेलेबल इन साइज वेरिंग फ्रॉम 70 to 800 mm। जो सी क्लैंप होता है कितना से कितना के साइज में अवेलेबल होता है, 70 mm to 800 mm के साइज में अवेलेबल होता है। इट इज यूज फॉर होल्डिंग द प्लांक्स आफ्टर ग्लोइंग। देखिए ये आपका क्या है, सी क्लैंप है।
सी क्लैंप में ये क्या है, हैंडल, इसी को हम लोग हैंडल बोलते हैं। ये आपका थ्रेड पे थ्रेड है, इस पे ये स्क्रू जिसको बोलते हैं, थ्रेड को स्क्रू भी बोलते हैं। ये आपका ये पोर्शन को हम लोग शू बोल रहे हैं, और ये दो जा हो गया, शू और जा हो गया। एक इसमें भी फिक्स्ड होता है, दूसरा मूव करता है, शू मूव करता है, और एक जा इसमें फिक्स्ड होता है, और यही इसी पोर्शन के बीच में क्या होता है, जॉब को हम लोग होल्ड करते हैं। इसी तरह से एक होल्डिंग डिवाइस और है, जिसका नाम है क्या, बार और टी क्रैम। क्या नाम है? बार और टी क्रैम। देखिए ऊपर बार और टी क्रैम्प है, जो देखिए यहाँ पे है, बार और टी क्रैम्प, इसी को हम लोग बार और टी क्रैम्प बोलते हैं। इसमें भी दो जा होता है, एक फिक्स जा होता है और दूसरा मूवेबल जा होता है। हैंडल के द्वारा हम लोग मूव करवाते हैं, स्क्रू पे क्या करता है, मूव करता है। इसको हम लोग स्पैंडल भी बोलते हैं, जिस पोर्शन पे मूव करें उसी को हम लोग स्पैंडल बोलते हैं। और ये इस तरह से कर रहे हैं, तो ये हैंडल मूव करवा रहे हैं, तो हैंडल मूव करने के बाद जॉ खुल रहा है, जॉ क्लोज हो रहा है, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड। अब हम लोग चर्चा करेंगे कटिंग टूल्स के बारे में। तो कटिंग टूल्स जो कारपेंट्री शॉप में कटिंग टूल्स यूज़ करते हैं, सॉ यूज़ करते हैं, सॉ का भी कई प्रकार होता है, हैंड सॉ, टेनन सॉ, इस तरह से बहुत सारे प्रकार में ये भी विभाजित है।